हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक सिविल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो छत पे हम ये अपना सरिया बांधते हैं, यानी स्टील रीइंफोर्समेंट डिजाइन बनाते हैं, ये हमारा मेनली दो टाइप का होता है, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा छत का ये जो जाल है ये बांध लिया गया है। तो इसमें मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमें छत में अपना जो सरिया बंधवाना है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा छत है ये वन वे है या टू वे है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आज सब कुछ क्लियर करूंगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों, मान लीजिए आपका यहाँ पे ये एक आप देख रहे हैं, इस कॉलम से लेके इस कॉलम के बीच की ये दूरी आपकी 15 फीट की है, और ऐसे इस छत की बात करें तो ये 10 फीट की है। तो जब आप ये लंबी दूरी उसको डिवाइड करेंगे शॉर्टर स्पैन से, यानी छोटी दूरी से, तो आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो अगर 2 से कम आता है, यानी कि 15 बाई हम 10 करेंगे तो हमारा 1.5 ऐसे कुछ निकल के आएगा, यानी 2 से हमारा रिजल्ट कम आ रहा है। तो 2 से कम रिजल्ट आ रहा है तो यानी कि ये जो हमारा छत है ये 2A स्लैब है, ठीक है, 2A स्लैब इसको बोलेंगे। वहीं दोस्तों, आप कभी भी अपना छत बांधे तो पहले इस चीज़ को, इस फार्मूला को जरूर अपने अप्लाई करें छत पे। अब जैसे आपका है, मान लीजिए कि ये 20 फीट ऐसे, ये अगर 15 फीट है, और ऐसे भी ये अगर आपका जो है ये अगर 30 फीट रहता, तो आप जब 30 बाई 15 करेंगे तो यानी कि वो टोटल 2 निकल के आ रहा है। तो अगर 2 से आपका रिजल्ट 2 आए या फिर 2 से ज़्यादा हो तो वन वे स्लैब कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक तरफ की छत की आपकी पूरी लंबाई ये ज़्यादा जा रही है और ये लंबाई आपकी कम आ रही है, तो यानी जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा वो 2 से ज़्यादा आएगा, तो वो हमारा वन वे स्लैब होता है। मैं यहाँ फार्मूला से भी आपको दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लें कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में हम सरिया कैसे बांधते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पहले देख रहे हैं, मैं टू वे स्लैब आपको बता दूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्लैब है, ये टू वे स्लैब यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ से इसकी दूरी मैं आपको बताया ये 15 फीट की है, और ऐसे इस स्लैब की चौड़ाई की बात करें तो ये 10 फीट की है। तो दोस्तों, इसमें चारों साइड इस आप देख सकते हैं, यहाँ इसको सपोर्ट मिल रहा है स्लैब को, चारों साइड यहाँ पे बीम दिया गया है, यानी कि इसमें जो क्रैंक है दोस्तों, ये क्रैंक चारों साइड यहाँ पे डिवाइड होगा, यानी लोड जो होगा इसका चारों तरफ डिवाइड करेगा ये छत। अगर हमारा ये सेंटर में कोई लोड लगता है, शियर फोर्स लगता है, तो हमारा जो है ये छत ये सेंटर से दबेगा तो ये चारों साइड से ऊपर उठना स्टार्ट होगा। तो चारों साइड से ऊपर उठना स्टार्ट होता है, इसलिए हम कोनों कोनों पर यहाँ पर एक्स्ट्रा सरिया प्रोवाइड करते हैं और क्रैंक तोड़ते हैं, ताकि ये इस बीम के यहाँ के लोड को बीम पे ट्रांसफर कर दें। तो इसलिए हम टू वे स्लैब में दोस्तों कभी भी चारों साइड क्रैंक तोड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि इस साइड भी ये क्रैंक टूटा हुआ, आप ध्यान देंगे तो उधर भी आपको दिखाई देगा, फिर आप इस साइड ध्यान देंगे यहाँ भी आपको क्रैंक दिखेगा, और आपको इस साइड भी क्रैंक यहाँ दिखाई देगा। तो दोस्तों, टू वे स्लैब में आपको चारों साइड यहाँ पे क्रैंक तोड़नी होती है। अब दोस्तों, क्रैंक तोड़ना कैसे है, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये जो हमारी डिस्टेंस है ये 10 फीट की है। तो कभी भी दोस्तों, क्रैंक का फार्मूला ये होता है, आप अपना डिजाइन अगर स्ट्रक्चर का करवाते हैं तो उसमें L/4 या L/5 दिया होता है, और फिर हमारा अगर थंब रूल की बात कर लें तो उसमें भी L/3 L/4 का फार्मूला दिया जाता है कि हमें उतने पे क्रैंक अपना तोड़ना है, जिसको हम बेंट अप बार भी बोलते हैं। तो दोस्तों, बेंट अप बार यानी जो क्रैंक होता है उसका तोड़ने का ये मेथड होता है कि जब हम ये अपनी दूरी 10 फीट ले रहे हैं, तो 10 फीट पे हम ये अगर L/4 से इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो 10/4 हम करेंगे तो 2.5 फीट, यानी कि 750 mm, 2.5 फीट पे ये हमारा यहाँ से बीम से ये आ रहा है, और आप देख सकते हैं ये 2.5 फीट पे पूरा इक्वल, आप देख सकते हैं ये क्रैंक आपका आगे पीछे नहीं होना चाहिए, एकदम इक्वल होना चाहिए 2.5 फीट पे। आप ये इधर भी देख रहे हैं, ये क्रैंक सब तोड़ा गया है यहाँ पे, यहाँ से ये 2.5 फीट की। अब ये दोस्तों दूरी मैं आपको दिखाया इधर की 15 फीट की दूरी है। तो दोस्तों, 15 फीट की दूरी पे अब L/4 आप करें या L/5 करेंगे तो आपका करीबन 3 फीट का यहाँ पे 3 फीट पे क्रैंक तोड़ना है। तो जो इधर का क्रैंक टूटेगा दोस्तों, ये यहाँ से इसकी दूरी जो बनेगी ये 3 फीट की बनेगी, यानी क्लियर आपको 3 फीट रखना है। अब दोस्तों, ये हमारा स्ट्रक्चर पे अलग अलग वैरी करता है, डिपेंड करता है कि आपका जो छत है वो कितना बड़ा है, उस हिसाब से फार्मूला अप्लाई करके हम लोग क्रैंक तोड़ते हैं। और क्रैंक दोस्तों कभी भी आपको याद रखना चाहिए कि एक बराबर क्रैंक टूटना चाहिए, ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, जो क्रैंक हम तोड़ते हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रैंक जो ये तोड़ा गया है, ये दोस्तों इसका जो एंगल होना चाहिए ये तोड़ने का, ये 45 डिग्री होना चाहिए। आप इससे ज़्यादा 60 डिग्री या 50 डिग्री पर क्रैंक नहीं तोड़े, 45 डिग्री। अब दोस्तों, क्रैंक की बात कर लें तो आप देख रहे हैं कि यहां से ये सरिया आया है और यहां ये क्रैंक यहां पे दिया गया है, फिर ये सरिया यहां से नीचे होके जा रहा है, और आप देखेंगे कि उस साइड ये सरिया नीचे चला गया है,
और फिर ये जो दूसरी सरिया है आप इस साइड ध्यान देंगे तो ये नीचे जा रहा है, नीचे सरिया जा रहा है, और फिर उस साइड आप ध्यान देंगे तो उसमें क्रैंक उठा हुआ है। यानी एक सरिया छोड़ के एक एक क्रैंक अप्लाई किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, अल्टरनेट क्रैंक दिया जा रहा है। तो आपको दोस्तों अल्टरनेट क्रैंक यहाँ पे देना होता है, और जो क्रैंक दो क्रैंक के बीच में जो ये जगह बचता है आप इसमें एक्स्ट्रा बार डालते हैं ताकि इसको प्रॉपर सपोर्ट मिले हमारे जाल को, और यहाँ पे एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर देनी होती है। वहीं दोस्तों आप बता दें कि छत में कभी भी आप अगर टूए स्लैब बनाते हैं तो दोनों साइड यहाँ पे दोनों साइड जो सरिया हम बनाते हैं तो वो हमारा मेन बार ही हो जाता है। तो आप दोनों साइड आप 8 mm का भी सरिया यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और अगर आप 10 mm का सरिया यूज कर रहे हैं तो जो छोटी डिस्टेंस है, जैसे आप यहाँ देखें कि ये 10 फीट की डिस्टेंस है, तो आप कोशिश करें कि जो शॉर्टर स्पैन यानी जो हमारा ये 10 फीट का स्पैन है, इधर आपको नीचे में 10 mm का सरिया यूज करना है, और जो ये बड़ा डिस्टेंस है यानी हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन बार कर लें जो मेन बार के ऊपर आता है, इसे आप 8 mm का सरिया इसमें यूज कर सकते हैं। और दोस्तों जो भी आप यहाँ पे क्रैंक तोड़ते हैं तो क्रैंक सपोर्ट देने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा सरिया यहाँ पे अप्लाई किया गया है। आपको एक 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 एक्स्ट्रा सरिया यहाँ पे दे देना है ताकि इस क्रैंक हमारा जब ये हम इस पे चले तो ये हमारे दबे नहीं नीचे। और ये दोस्तों जहाँ पे ज़्यादा मेस है आप कोनों कोनों में देख रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा जाला बन जाता है, यहाँ पे आपको चेयर बार जरूर प्रोवाइड कर देनी होती है ताकि आप इस पे जब हमारा कंक्रीटिंग होगा या लोग आएंगे जाएंगे तो फिर हमारा ये नीचे नहीं दबे। अब दोस्तों बात कर ले इसी में आगे हम अगर हमारा आगे यहाँ आप देख सकते हैं कि ये छज्जा जा रहा है, तो आपको छज्जे के लिए यहाँ पे ये रूल अप्लाई करना होता है कि जहाँ से अब ये हमारा छज्जे के पे जाने के लिए यहाँ से इसी स्लैब से हम ये जो क्रैंक उठा रहे हैं ये सीधा हमारे पूरे छज्जा को कवर करते हुए आगे जो हमारा एंड पॉइंट है वहाँ तक ये मिल जाएगा। यहाँ आपको ये क्रैंक आगे ले जाके ऐसा नहीं कि यहाँ काट के छोड़ दें फिर छज्जे के लिए अलग से यहाँ पे सरिया जाला बनाएं, आप डायरेक्ट इसको थ्रू आउट चलाएं। इससे क्या होगा, ये छज्जा जो है आपके आपके स्लैब के साथ यहाँ पे जुड़ता जाएगा और छज्जा का फिर अलग से हमें कोई सपोर्ट की जरूरत, आप जानते हैं कि छज्जे में कोई सपोर्ट नहीं होती है, तो हमारे स्लैब के साथ बन जाएगा। तो दोस्तों टू वे स्लैब में आपको चारों साइड यहाँ पे क्रैंक बनानी होती है, L/4 L/5 के हिसाब से आपको क्रैंक अप्लाई करना होता है, और टू वे स्लैब में चारों साइड हमारे सपोर्ट पे लोड पड़ता है इसलिए हम इसमें क्रैंक प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों अब वहीं बता दें वन वे स्लैब का, तो वन वे स्लैब में दोस्तों आप कभी भी आप जो देखें, जैसे मैं आपको शुरू में बताया कि लॉन्गर स्पैन बाई शॉर्टर स्पैन जब आप करते हैं तो उसमें क्या है कि जब आपका रिजल्ट यानी कि 10/5 है, तो अगर 10 फीट ऐसे है हमारा छत, आप यहाँ देख सकते हैं ये 5 फीट है, और ऐसे आप ध्यान इस छत को देखेंगे तो ये आपको 15 फीट का यहाँ पे दिखता है। तो जब आप 15/5 करेंगे तो यहाँ हमारा रिजल्ट 3 मिल रहा है, तो 3 दोस्तों यानी कि हमारा 2 से ज़्यादा आ जाता है, तो हम ये वन वे स्लैब बनाते हैं। वन वे स्लैब में क्या है दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे तो इस साइड हमारा जो हमारा शॉर्टर स्पैन रहता है, यहाँ हम शॉर्टर स्पैन में जो हमारा अगर 10 का सरिया है हमारे पास तो हम 10 का नीचे सरिया अप्लाई करते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन यानी लंबी दूरी की ये सरिया है हम इसमें ये 8 mm की सरिया अप्लाई करते हैं, और शॉर्टर स्पैन की तरफ हम अपना क्रैंक तोड़ते हैं। अभी ये 5 फीट है ऐसे दूरी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 5/ हम L/4 या L/3 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें करीबन 1.5 फीट या 1 फीट पे क्रैंक तोड़ना होता है। तो यहाँ 1.5 फीट पे ये क्रैंक आप देख सकते हैं एक एक अल्टरनेट कर करके तोड़ा गया है, आप देख सकते हैं ये क्रैंक आया तो फिर यहाँ प्लेन सरिया है, फिर ऐसे ही एक एक अल्टरनेट करके तोड़ना होता है। तो वन वे स्लैब में कभी भी शॉर्टर स्पैन यानी जो कम दूरी है उधर हमें क्रैंक तोड़ना होता है, और जो ज़्यादा दूरी हमारी जहाँ होती है वहाँ पे हमें प्लेन सरिया ले जाके छोड़ देना होता है, उधर हम क्रैंक नहीं तोड़ते हैं। तो दोस्तों मेन डिफरेंस हमारा यही होता है टू वे और वन वे स्लैब में।